अबे ठीक नहीं, बहुत बढ़िया। हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ प्रशांत। और भाई आज के इस व्लॉग में हम दिखाएंगे बाइक का एवरेज। तो अगर आप देख सकते हैं, मैंने ट्रिप ए को जीरो पे सेट कर दिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं टैंक भी अभी फुल है। सीधा चलते हैं और 150 किलोमीटर जब ये ट्रिप ए इसका हो जाएगा तब हम इसमें पेट्रोल डलवाएंगे और दिखाते हैं कि इसकी एवरेज क्या आती है। तो अभी हम बेसिकली मसूरी जा रहे हैं। तो भाई मसूरी वाला जो पूरी सीरीज़ आ रही है उसको एंड तक ज़रूर देखना यार, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि Z900 से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट उसमें कवर होगा। तो भाई व्लॉग को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना, और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो भाई लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अभी चलते हैं सीधा प्रिंस के घर पर, और वहाँ से उसको पिक करके फिर सीधा निकलते हैं राइड पर और दिखाते हैं कि क्या एवरेज हमारी Z900 देती है इस ट्रिप पर। तो भाई फाइनली अपन लोग निकल गए हैं घर से, और बाइक के भी देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है और बताते हैं इसका पूरा रिव्यू Z900 का। मौसम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हो रहा है। तो गाइज आप देख सकते हो अभी जो बाइक चल चुकी है वो 21 किलोमीटर चल चुकी है, और जो अभी रेंज दिखा रहा है वो 240 किलोमीटर प्लस दिखा रहा है अभी। तो यानी कि अप्रॉक्स 250 तो ये चली जाएगी अगर ये विदाउट ट्रैफिक अगर ऐसे ही चलती रही तो। बाकी अभी इसका प्रॉपर एवरेज देखते हैं कि किस हिसाब से कितना दे रही है। पहले एक चीज़ आपको दिखा दूँ कि इसका ऑन स्क्रीन एवरेज कितना है जो इसकी स्क्रीन शो कर रही है। तो अभी जो एवरेज है बाइक जो दे रही है वो 13.4 दे रही है, ठीक है। तो अभी इसका एक्चुअल टेस्ट करेंगे कि क्या जो स्क्रीन पे लिखा आ रहा है वो रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। तो देखते हैं सीधा क्या इसका रिज़ल्ट आता है। कितना ज़्यादा विंड ब्लास्ट लग रहा है ऊपर आते ही, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया यार, हेलमेट बिल्कुल ऊपर उड़ने को हो रहा है। तो गाइस अभी मैंने बाइक को जो है थोड़ा सा स्पीड में भगाया था, 180 टचडाउन किया था मैंने अभी बाइक का, और जो पहले जो रेंज दिखा रहा था वो यहाँ पर 270 के आसपास दिखा रहा था, एकदम इसकी घट के आप देख सकते हो 223 हो चुकी है। तो भाई अगर आप हाई स्पीड में भगाते हो तो आप एवरेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि यार देखो जब हाईवे पे होते हो तो आप डेफिनेटली सुपर बाइक को थोड़ा बहुत तो खींचते हो ही, सो उस हिसाब से हम एवरेज देख रहे हैं इसका क्या निकलता है। बाकी मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया यार। तो गाइज आप देख सकते हो एक डंडा गिर चुका है, 66 किलोमीटर अभी चली है बाइक, उस पर इसका एक डंडा गिर गया है। देखते हैं 100 किलोमीटर के बाद इस पर तेल डलवाते हैं कितना एवरेज क्या दे रही है हाईवे पे। और यार बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही है। तो गाइस पेट्रोल पंप आ गया है और यहाँ पे डलवाते हैं तेल और दिखाते हैं इसकी एवरेज क्या है। तो गाइस यहाँ पे पावर वाला अवेलेबल नहीं है, और इसमें मैंने पहले भी जब मैं मानेसर गया था वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं हुआ था, तो रिज़र्व में मैंने नॉर्मली डलवा लिया। तो मैं इसमें नॉर्मल में ही अब इसमें टैंक फुल करवा रहा हूँ। तो कर दीजिए भैया टैंक फुल और करते हैं इसकी एवरेज कैलकुलेट कि भाई क्या एवरेज दे रही है बाइक। 7.26 आया ना, ठीक है। तो गाइस 7.26 आया है, अभी इसमें कैलकुलेट करते हैं इसकी एवरेज को। एक मिनट में थोड़ा सा बाइक आगे लगा रहा हूँ ना भैया, हो गया ना। तो गाइस आप देख सकते हैं फाइनली जो पेट्रोल का वॉल्यूम था वो 7.26 था, और ये जो ट्रिप ए करा है इसने वो करा है 131 यानी कि 131 किलोमीटर। तो अगर डिवाइड करते हैं तो 18.12 विच इज़ वेरी गुड एवरेज फॉर अ सुपर बाइक, और बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है। तो गाइस यही था इस व्लॉग में इसकी Z900 का एवरेज के लिए। तो हाईवे पे तो बहुत अच्छी एवरेज दे रही है। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई व्लॉग को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।
फॉर मोर Z900 कंटेंट। अभी निकलते हैं सीधा मसूरी के लिए। यार वैसे तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है। 18 का एवरेज दे रही है। 18 का एवरेज चल वे। हाँ चल खा ले। 7.26 आया बस इसमें तेल अभी। एवरेज तो ठीक दिया भाई। अब ठीक नहीं, बहुत बढ़िया।